तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो ड्रीम इलेवन सेंट लूसिया T10 ब्लास्ट लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 25वां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा चोजियल कोलपोर्ट्स वर्सेज मोनरेपोज स्टार्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, बस आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। ईजिली भाई आप इस मैच में काफ़ी अच्छी विनिंग करने वाले हो। कल के जो दो मैच मैंने कवर किए थे उसमें से भाई दोनों के दोनों मैच आपके लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप गए थे इस लीग के, और ये वाला मैच भी भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब भाई स्टेट्स ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई पता नहीं होता कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में, कौन सा प्लेयर अभी किस नंबर पर बैटिंग बॉलिंग करेगा। अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, अब बस आपको विनिंग की तैयारी कर लेनी है। और जो भी मेरे भाई पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अभी के अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि विदाउट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जाइए भाई अभी के अभी टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की, तो मैच भाई अब से लगभग 1 घंटे 20 मिनट बाद खेला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:50 हो चुके हैं, 9:15 पर मैच खेला जाना है। वेन्यू की अगर बात करें तो भाई डेलन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है। पिच की अगर बात करें तो भाई बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। थोड़ा सा एडवांटेज बैट्समैन को आप दे सकते हो, क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट यहाँ पर रहने वाली है। वहीं अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें एवरेज स्कोर की, तो आप देख सकते हो 80 से 100 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वेदर की अगर बात करें तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी इस मैच में, अभी मैं आपको सिर्फ एक डेमो टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि आफ्टर लाइनअप्स आफ्टर टॉस ही मैं फाइनल टीम दे पाऊंगा। तो अभी के लिए आप जो मैं टीम दूं उस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम होगी उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इजिली आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPMF11। यहां पर अगर सर्च करके मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं @KPMF11। सिंपली आपको इतना सर्च करना है और यहां पर आपको टॉप पर ही सबसे टॉप पर हमारा चैनल दिख जाएगा, और यही चैनल भाई आपको ज्वाइन करना है, और इसी चैनल पर भाई आपको इस मैच की फाइनल टीम मिलने वाली है। यहां पर अगर बात करें तो यूट्यूब पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार देखो, सब्सक्राइब करने में आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बस आपको एक बार क्लिक करना सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फायदे काफी मिलेंगे आपको। जो भी मैच मान लो कोई ऐसा मैच हो जिसमें आप टीम लगाना चाहते हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके अगर वो मैच में कवर करूंगा, ऑलमोस्ट आपको पता है आपका भाई सारे मैचेस कवर करता है। तो काफी सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर आगे दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बात करेंगे सीसीपी की टीम की, तो तीनों मैच विन करके आ रही है, अभी तक अनडिफीटेड टीम है। वहीं अगर बात करें एमआरएस की, तो यह भी अभी तक अनडिफीटेड टीम, यानी कि आज एक टीम तो भाई डिफीट होने वाली है। इनका पहला मैच भाई नो रिजल्ट में एंड हुआ था, दो मैच अपने ये विन करके आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें यहां पर वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, तो आप देख सकते हो यहां पर जो टोटल 24 मैच खेले गए हैं उसमें से 11 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए, 11 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, और 2 मैच यहां पर नो रिजल्ट में एंड हुए हैं। अब अगर बात करें दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की, तो दोनों टीम्स के लास्ट मैच एक बार देख लेते हैं। इजिली भाई काफी ज्यादा अच्छी और काफी मतलब हद तक हमारे पास नॉलेज आ जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो सीसीपी की टीम की बात करेंगे, लास्ट मैच अपना 14 रन से विन करके आ रहे हैं। वहीं अगर पहले इनकी बैटिंग की बात करें, तो जूनियर एंड्री के साथ ओडी अलेक्जेंडर ओपनिंग करने आए थे, तो ओडी अलेक्जेंडर भाई जल्दी आउट हो गए थे 0 रन पर, बाकी गजब की फॉर्म में इस सीजन, बट अभी इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जैसन सीमन की बात करें तो भाई 43 रन इन्होंने बनाए। विंस स्मिथ की बात करें तो 0 रन पर आउट हो गए। वेलंगे सेंट एंगी की बात करें तो 4 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा केनिस रिचर्डसन ने नीचे आके भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी 10 बॉल पर 21 रन की। वही अगर इनकी गेंदबाजी की बात करें, तो गेंदबाजी काफ़ी शानदार रही थी। यहाँ पर अगर बात करें ओडी अलेक्जेंडर की, तो 2 मैच में अगेन 2 विकेट निकाल के ले गए। वेलंगे सेंट एंगी की बात तो इन्होंने भी 2 विकेट निकाले। एल्विस सीमन की बात करें तो भाई इन्होंने भी 2 विकेट निकाले। ऊपर क्लेम सेंट रोस की बात करें तो 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट इन्होंने निकाला। वहीं अगर बात करें ब्रोंटे बैस की, तो 2 ओवर में भाई ये यहाँ से विकेट लेस गए थे। अब अगर भाई यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर मार्क करूँ, तो भाई आपके लिए ओडी अलेक्जेंडर, जेसन स्मिथ, इसके अलावा वेलंगे सेंट एंगे और यहाँ से ब्रोनेट बैस, ये 4 प्लेयर आपके लिए ऐसे रहेंगे जिनको आप जीएल में सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाई आप अगर ट्राई करना चाहो तो जूनियर एंड्री को अपने टीम
टीम में ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा ए सीमन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एस लाफिले का भाई बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, इन्हें जीएल में नीजीएल में ट्राई कीजिएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर एमआरएस की टीम की तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ पर एमआरएस की टीम का भी मैच आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक तरफा विनिंग ये करके आ रहे हैं। इनकी तरफ से सेबिनस एमानुल ने गजब की नोक खेली थी, यहाँ पर 21 बॉल पर 48 रन बनाए। इसके अलावा क्रिश्चियन चार्लेरी की बात करें तो 16 बॉल पर 19 रन इन्होंने बनाए। सैड्रक डेस्कार्ड्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि भाई बैटिंग इतनी आई थी, 4 बॉल पर 4 रन इन्होंने बनाए। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर भाई 2 ओवर डाले शोनील एडवर्ड्स ने, 2 ओवर में भाई इन्होंने 22 रन दिए। वहीं अगर बात करें भाई मार्कलिन सिल्वेस्टर की तो 1 ओवर इन्होंने डाला, यहाँ से विकेट लेस गए। इसके अलावा केन गास्टन ने 2 ओवर में 21 रन जरूर दिए लेकिन एक विकेट भाई जो एकमात्र विकेट बॉलिंग से इन्हें मिला था वो भाई मतलब केविन गास्टन ने निकाले। इसके अलावा जो टीम के 2 विकेट गिरे वो भाई इन्होंने रन आउट करके निकाले थे, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर सैड्रक डेस्कार्ड्स की तो देखिए यहाँ पर 1 डाउन बैटिंग कर रहा है प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है। क्रेग एमानुअल की बात करें तो भाई इन्होंने भी 1 ओवर डाला। जमैल लेसमेंट ने 2 ओवर डाले। यहाँ से अगर बात करें तो भाई इनकी टीम से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर में मार्क करके बताऊं तो टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, के गैस्टन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सी एमैनुअल इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो आर लेसमेंट आपके लिए और जे लेसमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां से डेमो टीम की। अगेन मैं आपको बता दूं भाई जो मेरी फाइनल टीम होगी ना, जो फुल एंड फाइनल, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे ईजी और बेस्ट वे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPM F11। सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आपको यहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं डेमो टीम के बारे में। तो यहां पर भाई सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो जे सीमन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एस एमानुअल दोनों के दोनों भाई हमारे लिए मस्ट पिक रहेंगे। लास्ट मैच में एस एमानुअल ने काफ़ी ज़्यादा गजब की नोक खेली है। इसके अलावा अगर बात करें तो एस डेस्कार्ट मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई जूनियर एंड्रिक आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर सी चार्लेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो सी एमानुअल बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगा। ए सीमन को आप ट्राई कीजिए, यहाँ पर भाई ओडी अलेक्जेंडर को ट्राई कीजिए और यहाँ से भाई देखिए अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर के गैस्टन को ट्राई कर सकते हो जो कि काफ़ी गजब का प्लेयर है। मेरे हिसाब से आपकी टीम में 101% होना चाहिए। तो अब अगर आप एक रिस्क ले सको यहाँ पर किसी एक विकेट कीपर को ड्रॉप करने का तो फिर भाई आप यहाँ पर सी एमानुअल या फिर भाई नीचे से भाई वी सेंट एंगे को भी आप ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं दोनों विकेट कीपर को लेकर चल रहा हूँ। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजमेंट आपको करता मैं दिख जाऊँ। यहाँ पर अगर बात करें तो सी सेंट रोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जे लेसमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा भाई ब्रोनेट बैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सी वी सी की यहाँ से बात करें तो भाई कैप्टन ओडी अलेक्जेंडर रहेगा। वी सी की अगर बात करें तो एस डेस्कार्ड्स के साथ मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। आप अगर चाहो तो ऊपर भाई जे सीमन के साथ भी आप जा सकते हो एज ए वीसी या फिर भाई आप नीचे आकर ए सीमन के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी आप सीवीसी रख सकते हो। बट अभी के लिए जो मेरे सीवीसी है वो आपके सामने है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजमेंट होता है तो इसकी डायरेक्ट अपडेट आपको आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।